नमस्ते, आज मैं आपको एक कहानी के जरिए बताऊंगा कि वास्तव में चरित्रहीन महिला होती है या पुरुष। आज हमारे समाज में कुछ महिलाओं को चरित्रहीन कहा जाता है, यह बात कहां तक मुनासिब है। वेलकम टू माय चैनल बैक बेंचर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उनसे एक महिला मिलती है और बोलती है, आप यह साधु के वस्त्र में कैसे, आपकी छवि तो राजकुमारों वाली है, आपका शरीर बहुत आकर्षक है। इतने में बुद्ध कहते हैं, यह शरीर जो आज युवा अवस्था में है, कल यह बीमार होगा तथा वृद्ध भी होगा और फिर ये मर भी जाएगा, यह शरीर तो नश्वर है। वह महिला बुद्ध की इन बातों से बहुत आकर्षित होती है एवं अपने घर में भोजन के लिए बुद्ध को आमंत्रित करती है। बुद्ध तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। बुद्ध फिर कहते हैं, तुम चलो, मैं कुछ समय में तुम्हारे घर पर आता हूँ। जब उस गांव में इस बात का पता चला कि बुद्ध उस महिला के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, तो सभी ने उन्हें रोका और कहा, हे महात्मा, आप उस महिला के नहीं जाइए, वह महिला चरित्रहीन है। तभी वहाँ गांव का प्रधान आता है। अब बुद्ध से यही बात कहता है कि वह महिला चरित्रहीन है, कृपया आप उसके यहाँ घर ना जाएं। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और प्रधान का एक हाथ पकड़कर बोलते हैं, अब तुम ताली बजाकर बताओ। तो प्रधान आश्चर्य में पड़ गया और बोलता है, एक हाथ से ताली किस प्रकार बजाई जा सकती है। बुद्ध बोलते हैं, उसी प्रकार वह महिला चरित्रहीन कैसे हो सकती है। यदि वह चरित्रहीन है तो वह पुरुष भी चरित्रहीन है जो उसके यहाँ जाता है, अर्थात इस गांव का वह सभी पुरुष चरित्रहीन है जो उस महिला के महिला से संबंध बनाया है, क्योंकि महिला अकेली चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। बुद्ध की इस बात ने सभी की आंखें खोल दी और फिर सभी लोग उस महिला से माफ़ी मांगते हैं और फिर बुद्ध वहीं भोजन करते हैं उसी महिला के यहाँ। तो इस कहानी से हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि कभी भी कोई स्त्री का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण हमने स्वयं ही किया है, और दूसरे से ऐसी वाणी बोलिए जो खुद को पसंद हो। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी।